हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि शेख। तो अभी फाइनली मैं ऑफिस से आ चुका और मैं वेट नहीं कर रहा कि कब मैं ये युव रत्न का डायलॉग टीजर का आप लोगों के सामने रिएक्शन करूँ और फिर हम लोग इस मूवी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। चलो शुरू करते हैं हमारा आज का रिएक्शन वीडियो। और देखो मैंने ईयरफोन लगा रहा हूँ तो काफी लोग मुझे बोलते हैं कि ईयरफोन नहीं लगाते हो, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। ಗಂಡಸ್ತನ ಚರ್ಬಿ ಮೀಟ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟು ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋನೊಬ್ಬ ಬೇಕು, ಸಿಗ್ತಾನ? ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಡಾನ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಸೀಟ್ ಹೊಡೆದಾಡೋನು ಡಾನು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋನು ನೋಡೋಕೆ ಅಣ್ಣ ತರಾನೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಣ್ಣ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯು ಆರ್ ರಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಕದರ್ ಇಲ್ದರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಓಡಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾನು ಇರ್ತೀನ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಬಹುದು, ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟು ಬಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಳಿದವರಲ್ಲ ನಾವು. ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ टीजर में जिस तरीके से लिखा था किंग ऑफ एंटरटेनमेंट, वो लाइन बिल्कुल फिट बैठती है पावर स्टार पुनीत राजकुमार सर, यानी कि इनको प्यार से हम लोग अप्पू सर कहते हैं। अप्पू सर बहुत ही अच्छे इंसान है, अप्पू सर यूथ आइकन है, अप्पू सर बहुत ही जबरदस्त डांस करते हैं, अप्पू सर बहुत ही जबरदस्त स्टंट करते हैं, अप्पू सर एक्शन अगर अप्पू सर के देखोगे फिल्मों में तो आप उनके फैन बन जाओगे। अप्पू सर एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है, उनका जो परफॉर्मेंस देखोगे तो आप जब स्क्रीन पर वो आते हैं तो आजू बाजू आपको कोई भी नजर नहीं आता है, ये सबसे अच्छी बात है अप्पू सर के बारे में। उसके अलावा अप्पू सर एक बहुत ही हम्बल इंसान है। और युव रत्न की बात करूं तो ये मूवी एक नया रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल कायम करने वाली, और जिस हिसाब से इस फिल्म का टीजर डायलॉग टीजर अगर आप देखोगे तो कुल मिला के मैं इतना कह सकता कि ये जबरदस्त मास एंटरटेनिंग मूवी होने वाली है। और इस मूवी की एक शानदार बात है, वो है धनंजय सर बोलूंगा मैं, क्योंकि वो जो एक्टिंग करते हैं ना, वो जो मैडनेस जो पागलपन की एक्टिंग है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो कनाडा सिनेमा की एक नई होप है। क्योंकि मैं उनकी पॉपकॉर्न मंकी टाइगर और टगारू मूवी, ये दो मूवी उनकी मैं देख चुका पर्सनली, और मैं इतना कह सकता कि मुझे पर्सनली धनंजय बहुत पसंद है। और अप्पू सर की तो क्या बात करूं यार, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं इतना दुआ करता हूं कि ये मूवी वाकई में ऐसे रिकॉर्ड तोड़े, ऐसे झंडे गाड़े बॉक्स ऑफिस पर के मतलब दूसरी जितनी भी इंडस्ट्री की फिल्में वो पानी भरे इनके सामने। तो आप मुझे यार सिर्फ इतना काम कर दो कि भाई इस टीजर में, इस डायलॉग टीजर में जो भी डायलॉग थे, जो मेन डायलॉग है, उसका ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको ये डायलॉग टीजर देखकर कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये सब वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया और स्पेशली अप्पू सर और धनंजय के लिए मैंने ये स्पेशली वीडियो बनाया, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं तो जाऊंगा ये मूवी, और मैं स्पेशली ये मूवी अप्पू सर के जो फैंस है उनके साथ ही बैठकर देखना चाहूंगा, क्योंकि एक्चुअली इस फिल्म का मजा उन्हीं लोगों के साथ आएगा। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। मैं इंतजार कर रहा हूं इस फिल्म के रिलीज का, आप लोग कितना एक्साइटेड हो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करना, क्योंकि आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब मेरे नेक्स्ट जो तीन वीडियो है वो है आएंगे तगारू मूवी पे, 6-5=2, और तीसरी मूवी है नन्ना प्रकारा। तो आई होप आपको वो भी वीडियो पसंद आएंगे। तो बस यार मैं हूं राशि शेख और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट में। दिल से दुआ भी याद रखना, मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में।